आज भी हमारा जो पहला सेशन है वो लैब का ही है, ईवीजेड की लैब। तो उसमें टाइम पे जाना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार डांट पड़ गई थी, जो कि मैंने व्लॉग में भी डाल ली थी। तो पहले जल्दी से ब्रेकफास्ट करके आना पड़ेगा, उसमें हॉस्टलर्स जो हैं वो लेट नहीं हो सकते। तो अब जो लैब थी कैड की, उसमें क्या है ना, जो क्वेश्चन सर ने करवाए हैं वही करने हैं। लेकिन मैं कल यूट्यूब से करके आया था, यूट्यूब से सीखा था, तो वही क्वेश्चंस कर दिए मैंने। तो अब मेरे को जितने भी क्वेश्चंस थे सारे दोबारा से करने पड़ेंगे। और अभी पता नहीं किसकी क्लास है, वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल की थी, लेकिन मैम का मैसेज आया कि 3 बजे, तो पता नहीं है या नहीं। जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो क्लास थी वो मैथ वाले सर ने ली, तो शायद मैथ वाले सर की बेसिक इलेक्ट्रिकल वाली मैम लेगी। वो 3 बजे क्लास है, और अब सारी क्लासेस, 2 ही क्लासेस थी वैसे लैब के बाद, वो ओवर हो चुकी है। और अब हम लंच करने जा रहे हैं। आज खाना थोड़ा अलग होगा, पूरी होगी शायद। और ये मशीन आज भी काम नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पे कनेक्टिंग दिखा रहा है। अभी मैं रूम पे वापस आ गया, और अब बस जाने ही वाला हूँ मैं रेफरेंस रूम, लेकिन उससे पहले स्नैक्स पर जाना है। तो हर फ्राइडे को कोई यहाँ तो फ्रूट मिलता है, या फिर फ्रूट से बना हुआ, वो क्या होता है उसका नाम भूल गया मैं, वो मिलता है। तो फिर आज वो मिला था, आज वाला ठीक था, फिर भी और दिनों का थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं होता। और साथ में कल मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन आइसक्रीम फिर जो SBI था उसका सर्वर डाउन था, तो UPI से पेमेंट ही नहीं हो रही थी। तो मतलब कितनी कोशिश की हुई नहीं, तो फिर कल आइसक्रीम नहीं खा पाया। आज जाके अब मैं ट्राई करूँगा, अगर मिल जाए तो। आज रेफरेंस रूम से मैं थोड़ा लेट आया, 7:40 पे वहाँ से चला था, 8:05 हो गए हैं, और अब मैं खाना खा के बाहर आया हूँ। तो जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं ना, वो जो सोपरनी का हॉस्टल है उससे दूर है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ है वो खाने पीने की है। तो ये अच्छी बात है कि जो आइसक्रीम मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहीं पे मिल जाती है, सोपरनिका के पास। तो कल इतनी देर काम नहीं कर रहा था ना, SBI का सर्वर डाउन था, तो मेरे को लगा मेरे ही फ़ोन में प्रॉब्लम है, मैंने स्विच ऑफ करके ऑन किया, तो अभी काम नहीं कर रहा। और वहाँ पर सब पेमेंट करके जा रहे, शायद पता नहीं किसी और तरीके से कर रहे होंगे पेमेंट।